बंगाल विधानसभा टूर्नामेंट को लेकर बीजेपी टीएमसी के बीच चल रहे घमासान के मद्देनजर इस मुकाबले में एक नया रोमांच आ गया है। एक तरफ जहां सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका, तो वहीं कोल स्मगलिंग मामले में सीबीआई की जांच अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी तक पहुंच गई है, जहां सीबीआई की पूरी टीम ने आज रुजीरा से पूछताछ के लिए कोलकाता पहुंची, तो वहीं ममता के भतीजे अभिषेक ने कहा कि हम वो नहीं जिसे झुकाया जा सके। फिलहाल बीजेपी टीएमसी के बीच यह लड़ाई इतनी घातक हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे को चुनाव से पहले किसी भी मोड़ पर पटखनी देने से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, जिसका आलम यह है कि कोल स्मगलिंग मामले की जांच अब सीएम ममता और उनके परिवार तक पहुंच चुकी है। कोलकाता पहुंची सीबीआई की टीम ने रुजीरा बनर्जी को कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में नोटिस भी थमाया। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम अभी भी अभिषेक बनर्जी के आवास पर मौजूद है। फिलहाल दी गई नोटिस के मुताबिक 24 घंटे के अंदर ही पूछताछ की जानी है। बताया जा रहा है कि जब सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची तो उस दौरान अभिषेक और उनकी पत्नी रुजीरा घर पर नहीं मिले, जिसके जवाब में अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आज 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस भेजा, हमें कानून पर पूरा भरोसा है। हालांकि अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस तरह के चाल चलकर मुझे धमकाया जा सकता है तो वो गलती कर रहे हैं, हम लोग वो नहीं जिसे दबाया जा सके। फिलहाल इस बात से तो एक बात साफ है कि गृह मंत्री को कोलकाता की अदालत में हाजिर होने के आदेश के 2 दिन के भीतर ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई की यह नोटिस जारी की गई। इधर नोटिस की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठने लगे। वहीं टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा कि हताश बीजेपी ने सभी सहयोगी दलों को खो दिया है, अब उनका एकमात्र सहयोगी सीबीआई और ईडी है। यह नोटिस भी उम्मीद के मुताबिक ही है। बता दें इससे पहले अभिषेक बनर्जी के कई करीबियों पर भी छापेमारी की जा चुकी है। वहीं बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने नोटिस के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है, उन्होंने पूरी अनभिज्ञता जाहिर की है।